नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर हलचल में। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। संकष्टी चतुर्थी के पावन अवसर पर क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार ने श्री क्षेत्र अदासा में विघ्नहर्ता को नमन किया। इस वक्त मंत्री केदार ने इस कोरोना महामारी से जनता को जल्द से जल्द मुक्त कराने तथा किसानों के लिए विघ्नहर्ता से प्रार्थना की। इस साल कोरोना महामारी के चलते शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए सिर्फ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, महेंद्र डोंगरे, वैभव घोंगे आदि मान्यवर उपस्थित थे। पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत को थाईलैंड के बौद्ध उपासकों व उपासिकाओं ने 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे हैं। डॉ. राउत ने यह कॉन्सेंट्रेटर संभाग आयुक्त को सौंपे हैं। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव हर्षदीप कामले और उनकी पत्नी रोजाना कामले के सहयोग से नागपुर को 5 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले हैं। विधायक अभिजीत वंजारी, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, भंते विजय रक्षिता, प्रीतम बुलकुंडे, प्रफुल्ल भाले राव, रवि वेखंडे, धर्मेश फूस्ते, नागेश बरबुरे मुख्य रूप से उपस्थित थे। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय के रासेयो विभाग, राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज, नागपुर विद्यापीठ नागपुर तथा संबंध हेल्थ फाउंडेशन के संयुक्त पहले से थूक मुक्त भारत आंदोलन के अंतर्गत ऑनलाइन जन जागृति की गई। कार्यक्रम अधिकारी बबीता थूल, मीना बाल पांडे एवं NSS छात्राएं प्राची कामले, साक्षी पाटिल के नेतृत्व में समाज में जन जागृति की गई। इस कार्य के लिए छात्राओं को संबंध हेल्थ फाउंडेशन द्वारा कांस्य पदक दिया गया। सोनेगांव दुर्गा मंदिर परिसर में प्रभाग 36 के नगर सेविका मीनाक्षी नितिन तेलगोटे के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। 30 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर परिसर में वृक्षारोपण के तहत पेड़ लगाए गए। सहकार नगर धानघाट में अंतिम संस्कार करने वालों को PPE किट के साथ अनाज किट भी वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व महापौर संदीप जोशी ने किया। शिविर स्थल को नितिन तेलगोटे, महिला आघाड़ी अध्यक्षा वर्षा चौधरी, नगर सेविका पल्लवी श्यामकुले, सोनाली कड़ू, लहू कुमार बेहते, गोपाल बोहरे आदि मान्यवरों ने भेंट देकर आयोजनों की सराहना की। BAPS स्वामीनारायण संस्था एक सेवाभावी संस्था है जो निरंतर जन सेवार्थ विभिन्न उपक्रम में स्वेच्छा से आगे रहकर या विभिन्न संस्था द्वारा दिए जा रहे सेवा कार्यों में सहकार्य करती आ रही है। इसी श्रृंखला में संस्था द्वारा पार्टी स्थित श्री भवानी अस्पताल को 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट स्वरूप दिए गए। इस अवसर पर श्री भवानी अस्पताल की ओर से अध्यक्ष पांडुरंग मेहर, सचिव नितिन अरसपुरे, मिलिंद ठवकर, नरेश मिगलानी, नरेंद्र ठवकर, ज्ञानेश्वर महानकर, नंदकिशोर तड़स, मुकेश हटवार आदि उपस्थित थे। नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का घोर विरोध करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की घोर निंदा की है। स्वतंत्र भारत में पहली बार पेट्रोल 100 के पार मिल रहा है। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष CA कैलाश जोगानी ने आज साइकिल से अपने ऑफिस जाकर इसका विरोध किया। देश के अधिकतर भाग में पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। मध्य प्रदेश के सभी तथा महाराष्ट्र के 30 जिलों में पेट्रोल 100 के पार हो गया है, जिससे आम जनता में काफी आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर आज प्रभाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद पल्लवी श्यामकुले ने जानकारी दी कि 27 लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्व निभाया। शिविर का उद्घाटन सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने किया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष किशोर वानखेड़े, महामंत्री गोपाल बोहरे, महिंद्रा भुगावकर, नितिन महाजन, विमल श्रीवास्तव, नगर सेवक लहू कुमार बहेते, नारायण आहूजा, भाजपा शहर सदस्य मनीषा काशीकर, महिला आघाड़ी अध्यक्ष वर्षा चौधरी, महामंत्री कल्पना तड़स की उपस्थिति रही। शहर में कोरोना पर काबू पाने के लिए महानगर पालिका द्वारा सुशीला नगर जरीपटका में निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी 83 नागरिकों को बिना लाइन में लगे तत्काल टीका लगाया गया, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। इस अवसर पर पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, मंगलवारी जोन सभापति प्रमिला मथरानी, वार्ड अध्यक्ष मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी, गुरु दरबार से दादा अर्जुन जग्यासी आदि उपस्थित थे।
सरकारी आदेशों के विपरीत शहर की स्कूलें कॉपी किताबें बेचने में लगी हैं। विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने शहर की सभी स्कूलों को चेतावनी दी है कि इस वर्ष में कॉपी किताबें बेचने का गोरख धंधा तुरंत बंद करें, नहीं तो शहर के पालक और विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की टीम उसे स्कूल आकर बंद करा देंगे। अग्रवाल ने कहा कि शहर के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम तुरंत लागू करें। मौजूदा स्थिति में जहां कुछ समय पूर्व ऑक्सीजन, रक्त व प्लाज्मा समय पर नहीं मिलने की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे, अपने परिवार के सदस्यों को बचाने की जद्दोजहद में लोगों को ऑक्सीजन, प्लाज्मा, रक्त का इंतज़ार करने में काफ़ी भटकना पड़ा था। इसी के मद्देनज़र स्थायी समिति अध्यक्ष एवं खामला प्रभाग 36 के नगर सेवक प्रकाश भोयर के संयोजन में रक्तदान शिविर एवं वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व महापौर संदीप जोशी ने किया। इस अवसर पर सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर आदि की मौजूदगी रही। शहर की सामाजिक संस्था सिंधु युवा फोर्स एवं भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपुर की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर रविवार को महारक्तदान शिविर का आयोजन संत सतराम दास धर्मशाला समाधि साहिब एवं नारा बस्ती में वातानुकूलित रक्तवाहिका का प्रबंध कर नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा, नागपुर मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अरविंदर सिंह बेदी एवं कैलाश छाबड़िया के विशेष सहयोग से किया गया। शिविर सफल बनाने के लिए ज्योति सचदेव, प्रिया केवल रामानी, पिंकी जय सिंघानी, अनिता खुशालानी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा संत चोखा मेला पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अभंगवाणी का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के फेसबुक पेज पर लाइव किया गया। इस कार्यक्रम को 334 से अधिक दर्शकों ने देखा और सराहा। अभंगवाणी इस कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश गुजर ने संत चोखा मेला के अबीर गुलाल उद्धलित रंग की प्रस्तुति से किया। कार्यक्रम में इन कलाकारों के साथ संगत तबले पर निषाद चरडे, ऑक्टोपैड अनिकेत सहारे, कीबोर्ड कुमार सहारे, बांसुरी आकाश सेतवाल ने की। हंसापुरी पुराना भंडारा रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से गंदा पानी जमा हो रहा है। इससे आने जाने वाले नागरिकों को और स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव फजलुर रहमान कुरैशी ने बताया कि उसी रोड पर थोड़ी थोड़ी दूरी में जगह जगह ऐसे कई गड्ढे हैं और बारिश का मौसम चालू होने वाला है, जिसकी वजह से गड्ढों में पानी भर जाता है। आंदोलन में लोकेश रेंगे, निखिल भोयर आदि की उपस्थिति रही। नागपुर में 18 से 44 वर्ष की आयु के लिए पहले और दूसरे डोज का टीकाकरण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, जिससे इस आयु के लोगों का भी टीकाकरण हो, ऐसी मांग समाज सेवक व भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल, प्रभाग 24 की श्वेता प्रदीप पोहाणे, अशोक सावरकर, विनोद कोचर ने संयुक्त रूप से मांग की है। मनोज अग्रवाल के साथ प्रभाग 24 के श्वेता प्रदीप पोहाणे आदि ने यह मांग की है। बुजुर्गों में बढ़ रही घुटनों के दर्द की समस्या के मद्देनजर कला मंच के तत्वावधान में पंचवटी वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को दर्द निवारक दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा, रिमझिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निदेशिका डॉक्टर आभा जैन, पंचवटी वृद्धाश्रम की प्रभारी विभाताई टीकेकर, सुलभा जकाते, मेजर हेमंत जकाते आदि की उपस्थिति रही। समस्त बुजुर्गों को एल्टास हर्बल पेंडन ऑयल की बोतलें प्रदान की, साथ ही अल्पोहार की व्यवस्था की गई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और किए गए विकास कार्यों को मेयर दयाशंकर तिवारी के नेतृत्व में नागरिकों को अवगत कराया जाएगा। इस जन जागरूकता अभियान की शुरुआत शहीद शंकर महाले के परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ किया गया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने शहीद महाले के परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को शॉल और गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वासुदेव महाले, गीता महाले आदि उपस्थित थे। कोविड-19 से सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अब मेट्रो सेवा शुरू करने को प्रशासन तैयार है।
मेट्रो कर्मचारियों और यात्रियों के लिए एहतियात के तौर पर महामेट्रो ने कई उपाय योजना की है। मेट्रो यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से मेट्रो ट्रेनों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा और मेट्रो के जिन स्टेशनों पर अत्यधिक यातायात है उनकी नियमित रूप से सफाई की जाएगी। उदाहरण के लिए क्रू कंट्रोल रूम, बेबी केयर रूम और स्टेशन कंट्रोल रूम को बार बार साफ किया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने सलून व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया था। 2 साल बीत जाने के बावजूद सलून व्यवसाय बंद है। सलून और ब्यूटी पार्लर व्यवसायियों पर भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। नाभिक युवा शक्ति महाराष्ट्र शाखा खापरी रेलवे के सदस्यों ने इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भूख हड़ताल प्रारंभ की है। साथ ही सरकार की ओर से प्रति परिवार प्रति माह 10,000 रुपये मुआवजे की मांग की गई। नाभिक संघ की ओर से मंगेश चावके, प्रमोद पानबुड़े आदि ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। नागपुर महानगर पालिका एवं महापौर दयाशंकर तिवारी के तत्वावधान में पंजाब सेवा समाज नागपुर प्रीतम भवन में 45 वर्ष के आयु का टीकाकरण शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर सेवक नरेंद्र बोरकर, NVCC नागपुर के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, सचिव रामावतार तोतला, मध्य भारत पंजाबी बिरादरी के संयोजक महेश कुमार कुकड़ेजा, पंजाब सेवा समाज नागपुर के कार्याध्यक्ष राकेश झाम, सचिव सचिन पुनियानी, कार्यकारिणी सदस्य किशोर पुनियानी, वीरेंद्र पुनियानी, पंजाब सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष खुड़िया, सुभाष पुनियानी आदि उपस्थित थे। केंद्र सरकार के 7 वर्षीय कार्यकाल में बेतहाशा बढ़ी महंगाई को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर हाल ही में शहर कांग्रेस तथा शहर युवक कांग्रेस पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर महंगाई का विरोध व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में शहर युवा अध्यक्ष तौसिफ खान, आकाश गुजर, इरफान काजी, अक्षय घाटोले, नयन तरवटकर, स्वप्निल ढोके, मोइस शेख, सागर चौहान, पीयूष जायसवाल, मुबशिर अहमद, मोंटू गुरव, कुणाल खड़गी, हेमंत कातुरे, राज बोकड़े, हितेश गोतमारे, राजेश गुजर, योगेश जामुलकर, माधव जुगेल, शोएब खान इत्यादि उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।